हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभु पदा श्रीला प्रभु पदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस पूज्यकाचार्य अष्टोत्तर अष्टोत्तर श्रीमती डिवाइन ग्रेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवा द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पूज्यकाचार्य अष्टोत्तर अष्टोत्तर श्रीमती डिवाइन ग्रेसी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की वैष्णव सदाचार की इस्कॉन उद्याना की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज कुछ लोग पहली बारी धोती डाल के आए हैं तो बड़े पूरा रूम चमक रहा है एकदम। सो वी लाइक टू स्पेशली कंग्रेचुलेट एंड थैंक इज प्रभात प्रभु। यस, खड़े हो जाइए एक बारी, सब जरा दर्शन कराइए प्लीज, सबको बहुत उत्साह बढ़ेगा। प्लीज वेरी एनकरेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, वेरी नाइस। हरी बोल। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, टीम वर्क, थैंक यू, वेरी गुड। और संजीव, संदीप, आपका क्या नाम था आपका? प्रभु प्रथम, हाँ प्रथम प्रभु, प्रथम प्रभु आए हैं। और कोई नाम है पहली बार जो डाल के आए हैं? यस, आना था ना, और भी कितने आ रहे हैं और नीचे चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे डर ये लग रहा है प्रभु जी, सेशन ना निकल जाए, पहली बार मांग रहे ना, सेशन वगैरह खत्म हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। ओके, तो कल की चर्चाओं से कुछ एनी पॉइंट्स कोई चर्चा करना चाहेगा, किसी को याद है या कुछ क्वेश्चंस हैं कल की चर्चाओं से? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कल हमने क्या चर्चा किया था कि तिलक लगाने के फायदे, हाँ तिलक लगाने की विधि, हाँ किस तरह से अगर करते कर रहे हैं तो अपनी पवित्र नदियों का आवाहन कर रहे हैं, हाँ किस तरह से तिलक को लगाना है, हाँ और 12 भागों में कहाँ कहाँ पे तिलक लगाते हुए किस मंत्र का उच्चारण करना है। यस, पुष्कर जैन जी, पुष्प जैन जी आइए, देखिए देखिए सब ये पहली बार इधर हैं धोती डाल के। प्लीज खड़े रहिए, खड़े रहिए एक बार प्लीज। सी हाउ नाइस, वेरी बॉल, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है पुष्प जैन जी आपको? थैंक यू। माता जी हैं कल? अच्छा, माता जी, अच्छा भारे, कैसे लग रहे हैं प्रभु जी? हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, वेरी गुड। फोटोशूट तो बनता है। यस, तो यस, तिलक की क्या महिमा है, तिलक कैसे लगाना चाहिए, सही विधि क्या है, और उसके अलावा उससे पहले क्या चर्चा हुई थी? हाँ, भगवान के दर्शन करने, हाँ जी, हाँ भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर भगवान से कुछ याचना बाद में करनी चाहिए, और वस्त्र कैसे होने चाहिए, हाँ वस्त्र कैसे होने चाहिए, यस, दर्शन कैसे करना है, वस्त्र कैसे होने चाहिए, गुड। और फिर तिलक के ऊपर बात हुई थी, तो तिलक के ऊपर अगर आपको कुछ करना है प्रैक्टिकल और कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ और जान, किसी ने कोई क्वेश्चन हैं तिलक के ऊपर? क्रॉस करके आगे दर्शन करने जाना चाहिए या आराम से पीछे खड़े होकर दर्शन करने चाहिए, आरती के समय में या वैसे? जैसे सुबह थोड़ा सा लग रहा था कि आप क्रॉस करके आगे दर्शन करने जाऊँ या वही रुकूँ, थोड़ा सा मन में आया।
अगर कोई से सीनियर भक्त खड़े हैं तो क्या उनको क्रॉस करके आगे जाके दर्शन कर सकते हैं? इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप कर सकते हैं, बिकॉज सब लोग सीनियर पीछे ही, कई लोग सीनियर प्रेफर करते हैं पीछे ही खड़े रहें, तो वैसे का मतलब नहीं कि आप आगे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, आप उनको प्रणाम करते हुए जा सकते हैं ना। हाँ बट कई बार हम ऐसा होता है, कई बार इतनी जल्दी में होते हैं धक्का मारते हुए चले जाए कई बार ऐसा भी होता है, चाहे सीनियर हो जूनियर, बाई चांस हमें जल्दबाजी में किसी को लग गया तो उसको फिर छू लेना चाहिए, उसको ये करना चाहिए ना। तो अगर सीनियर पीछे खड़े हैं समझेंगे हम भी पीछे खड़े रहेंगे तो उनको कर सकते। और कुछ आप कुछ कह रहे थे यमुना जी? तो हाँ कह सकते हैं जी, बिल्कुल। और कुछ तो आगे बढ़े, कुछ कहना आपको तिलक के बारे में? और कुछ गो अहेड, ठीक है। हाँ जी, जैसे आप दर्शन करते तो हम हार सेवा कर रहे थे और आप अंदर अंदर आए थे हॉल में, तो समझ नहीं आ रहा था कि सेवा करते हुए उसको सेवा छोड़ के प्रणाम करना चाहिए इसे सीनियर। हाँ अगर ऐसी सेवा है तो कर भी सकते हैं प्रणाम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हार बना रहे हैं और बीच में हैं तो कई बार दिक्कत भी होगी, भगत ठाकुर जी के लिए हार बना रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है जी, करें आगे। गुड, सो पेज नंबर 21, तो कुछ चर्चाएं करेंगे आज, तो हम तो जो शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में बताएंगे, हो सकता है कुछ आपको अच्छी लगे कोई इतनी अच्छी ना लगे है ना, लेकिन जो हमारे लिए भक्ति के अनुकूल है, वैष्णव सदाचार जो भक्ति के अनुकूल है, तो पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर भी बातें आएंगी, कहीं हमारा जो पर्सनल लाइफस्टाइल होता है हो सकता है हमें उसकी आदत पड़ गई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं वैष्णव सदाचार के अनुकूल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस पर्सनल लाइफस्टाइल को छोड़ देना चाहिए कि करते रहना चाहिए कंटिन्यू? जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको त्याग देना चाहिए, है ना। तो इसी सिद्धांत पे चलेंगे, और सारे नियमों का पालन करने का क्या मुख्य सिद्धांत क्या है, सभी वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करने का मुख्य प्रिंसिपल क्या है, उसके कैसे आगे बढ़ेंगे, मेन लाइन क्या है? हाँ, फर्स्ट पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा ऐसे काम करें जिससे हमारा कृष्ण का स्मरण हो, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं, क्या हमेशा ऐसे काम करें जिससे हमारा कृष्ण का स्मरण बना रहे, और ऐसे कोई काम ना करें जिससे हमारा कृष्ण का स्मरण कमजोर पड़ जाए, कृष्ण को हम भूल जाए, राइट। तो आता है पेज नंबर 21, केश बाल, कौन पढ़ेंगे जी? पढ़िए माता जी। तो जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको तो बाल नहीं रखने चाहिए, उनको हफ्ते में एक बार मुंडन करा सकते हैं, और जो आप जैसे गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको भी बाल कितने बड़े रखने चाहिए आराम से भाई, कितने बड़े बाल रखने चाहिए कम से कम जितने छोटे छोटे बाल के क्या क्या फायदे हैं, प्रथम प्रभु बताइए, बड़े सुंदर बाल हैं आपके छोटे ना तो ही रेडी है, कोई चक्कर ही नहीं, तोलिया जल्दी सूखता है, और क्या फायदे हैं छोटे बाल रखने के, ना कंगी देखना, शीशा करना, शीशा देखना भाई, लेकिन बाल उनको संभालना, फिर आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट में है तो हेलमेट निकल गया, फिर बाल को पहले सेट करो, फिर ये करो वो करो, है ना, इतनी तामझाम। सो जितना छोटे बाल रखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, माता ही लोगों के लिए नहीं सभी लोगों के लिए, जितना छोटे ही बाल रखें। शनिवार मंगलवार का आई एम सरप्राइज, पहले वाले में नहीं था, पहले वाले में भी है था उसमें नहीं है, नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, काशी को भी ना, हाँ ये कोई नहीं है पहुंची, ना ना
नहीं है इसमें, इसमें कोई चिंता मत कीजिए, हमें आवश्यक है इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एकादशी को हम मतलब कि सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो शरीर से कम संबंधित हो, लेकिन आवश्यकता पड़ रही है कोई आपको प्रचार के कार्यक्रम में जाना है, बाल बहुत बड़े हुए हैं तो भी कटवा लीजिए। उसके लिए भी एक बार गीता में उन्होंने क्लियर किया था कि इसलिए एक आदमी डॉक्टर बाल काटते हैं कि अगर कि तक तक ना लग जाए, ब्लड ना जाए, उससे एकादशी बंद होती है, इसके लिए रीज़न दिया ऐसा है। देखिए पुराणों में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, तो हमारे लिए जो प्रचार के अनुकूल है उसको हम कर लेते हैं, है ना, तो इन छोटी छोटी बातों में हम फंसते नहीं हैं। जरूरत पड़े तो कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। और बालों को छोटा रखना बहुत ही सहयोगी है। क्यों बोला गया बालों को छोटा रखना, ऐसा क्यों बोला गया है? बाल एक अहंकार की तो निशानी भी है, अहंकार हाँ। श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, और कलयुग के एक लक्षण में है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में सुंदरता उसको मानी जाएगी जिसके बड़े अच्छे अच्छे बाल हो, सारी एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं माताओं शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट, ये सब बाल दिखाते हैं सब, है ना, जिसके अच्छे अच्छे बाल हैं तो उसको उसको सुंदर माना जाता है, तो ये कलयुग का लक्षण है। और बाल से क्या होता है, हमारा बॉडली देहात्म चेतना बढ़ रही है, बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, अपने आप को हम शरीर समझ रहे हैं, ये शरीर को जितना मर्जी हम सजा लें शरीर गंदा ही है। आप देखिए आपने ये कपड़े हम डालते हैं, विंटर्स में हम जब ख़त्म हो जाएंगे स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह हम आराम से ड्राइविंग करा के अलमीरा में रखते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो ठीक होते हैं बिल्कुल, कोई भी आपने शर्ट पैंट रखी है अलमीरा में रखी है प्रेस करके ठीक रहती है, जैसे एक दिन उसको शरीर में डाल दो उसके बाद दोबारा नहीं डाल सकते, इसका मतलब क्या है कि शरीर में बदबू ही निकलती है, गंदगी ही निकलती है, उसको जितना मर्जी पैकिंग करके उसको आप सजाते रहो शरीर गंदा ही है। तो इसलिए सारे वैदिक शास्त्रों में इस ढंग से नियम बताए गए, इस ढंग से जीवन शैली बताई गई है कि हमारा शरीर के ऊपर कम से कम समय लगे, शरीर को मेंटेन करने में, शरीर का ध्यान देने में कम से कम समय लगे, और सारा शक्ति सारा समय हम आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मा की आवश्यकता के लिए दें। बड़े बालों को ज़्यादा नहाने में टाइम, संभालने में टाइम, ड्राई करने में टाइम, संवारने में टाइम, नए स्टाइल लगाने में टाइम, और उसके बाद क्या है कि हमारा शरीर से आसक्ति भी बढ़ जाती है ना, तो उस शरीर की आसक्ति को भी कम करना है, अपने समय और शक्ति को भी बचाना है, इसलिए बोला गया कि बालों को कम से कम रखें, और जो पूरे उड़ा सकते हैं उड़ा दें, नहीं तो समय के साथ तो उड़ ही जाएंगे। तो आप जितना मर्जी मेंटेन कर लीजिए, समय के साथ तो आजकल बहुत जल्दी उड़ जाते हैं ना, 20-25 साल के लड़कों के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, और आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक उसमें चल रहा है हेयर क्लिनिक्स, हर कोई अपने बालों के बारे में चिंता कर रहा है, एक एक बाल उगाने के हज़ारों रुपये लग रहे हैं, और इतना पेनफुल प्रोसेस है फिर भी लोग लगाते हैं, बिग इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है कि आर्टिफिशियल ब्रिक्स लगाएं कुछ करें, लेकिन ये अज्ञानता है। तो इसलिए क्या है, बाल जो है हमारी देहात्म चेतना को बढ़ाते हैं, नंबर एक। और श्रीमद् भागवतम में बुरा मत मानिए, हम तो सीधी सीधी बात बोलेंगे, बाल को केश को काला मल बताया गया, ब्लैक स्टूल, इसको अशुद्ध माना जाता है बालों को। आप देखें घर में अगर कोई माता जी भगवान के लिए भोग मना रहे हैं, कुछ बाल गिर जाए तो क्या कहते हैं, वाह आनंद आ गया। ये तो हिंदी फिल्मों में बोल दिया, ये जुल्फे और पता नहीं क्या क्या कह के इसको इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया। ये तो शेरो शायरी में हो गया ना, ये जुल्फे हैं और लहरा रही हैं और क्या क्या है, ये सब कवियों ने और शायरों ने ऐसा कर दिया। अदरवाइज आध्यात्मिक दृष्टि से ये कचड़ा है, ये कचरा है, इसको हटाना जितना माता जी लोग नहीं कर सकते उनका रखा है, लेकिन जो पुरुष लोगों को ये सुविधा है
तो जितना कचरा कम रखेंगे उतना सिरदर्द ही कम है। पहले से भी बहुत भार है, और क्यों भार रख रहे हो, हल्का रखो सर। तो दैट वे कम से कम बात रखना जरूरी है ना। प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो सारे हिप्पीज थे, आइंद्रा प्रभु के बाल यहाँ तक थे, घुटने तक। प्रभुपाद वाले मेरे बाल कटवा दो मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊँगा, अगले दिन ही सारे बाल कटवा दिए। तो ये उन हिप्पीज को बालों से बड़ी आ सकती थी, कटवा दिए। तो इसीलिए हमें देखना कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको करते हुए झिझकना नहीं चाहिए। दैट ठीक है। शिखा, कोई प्रश्न है किसी का केशों के ऊपर? चले आगे बढ़ो, क्या पढ़िए शिखा। ठीक है, हम से सब लोग शिखा रखते हैं, दीक्षित भक्त में शिखा रखते हैं। तो शिखा रखनी है और इसके कुछ नियम बताए गए हैं, उसको बांध के रखना है। खुली शिखा को इनऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, गुथना मतलब वो गुत बना लेना उसके ना, ऐसे ऐसे करके। चोटी पीछे गांठ तो मारनी है बस, लेकिन वो गूंथना मतलब तीन सर का। हाँ बस सब लेकर लिखा ना, जो अशुभ कार्य हैं सोते समय, अंतिम क्रिया जाते समय, शोष क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। नहीं ये कारण नहीं है, ये शिखा जो है ये दिखाती है कि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम शिष्य हैं। तो ये उस समय खोलने का तरीका ये होता होगा कि जैसे कुछ हम अशुभ क्रियाएं कर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है, उसको खोल के रखते होंगे। दैट वे ये कैसा फिजिकल, क्योंकि जब शौच जाते समय भी खोलना है और शमशान जाते समय भी खोलना है, सोते समय भी खोलना है। दैट वे सोते समय भी खोलते हैं। हाँ जी ठीक। शिखा का महत्व ये है प्रभु की, ये दिखाता है कि हम किसी के अंडर हैं और किसी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। वैदिक ज्ञान के हम अपने जीवन में वैदिक ज्ञान को अनुकूल कर रहे हैं, ये शिखा दिखाता है। ऐसा भी तुम्हारी नदी जब पार करते हैं तो शिखा से पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर गलती से शिष्य स्लिप हो रहा है तो गुरु शिखा से ही पकड़ेगा। हाँ तो उसमें दिखा भी था। उनको कह सकते हैं कि बाद में वो देना क्लास 7:30 ठीक है, सॉरी। तो यस क्या कह रहे थे, कौन दिया शिखा की बात हो रही है। हाँ जैसे फर्स्ट टाइम भी आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे तो महाप्रभु के साथ उनके असिस्टेंट थे काला कृष्ण दास, है ना। महाप्रभु के साथ होते हुए भी वहाँ वो जो जिप्सी लोग थे, कुछ आदिवासी लोग थे भट्टहरी, उनके चक्कर में फंस गए, उनकी स्त्री के चक्कर में फंस गए और उन्होंने उनके ऊपर जादू कर दिया कुछ, तो वो उनके कैंप में ही चले गए। तो महाप्रभु गए उसको शिखा से पकड़ कर खींच के लाए थे, है ना। शिखा मजबूत तो ये कि शिखा दिखाता है कि हम शिष्य बन रहे हैं, हम अपने जीवन में वैदिक ज्ञान का अनुकूल कर रहे हैं,
और ये हमें माया में गिरने से बचाता है, कोई पकड़ लेगा हमें शिखा खींच सकता है। रखनी चाहिए, देखिए जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जब सरदार जी लोग पगड़ी डाले में नहीं शर्माते, मुसलमान लोग दाढ़ी रखने में नहीं शर्माते, तो हम लोग क्यों शर्माते हैं? कंडीशनेबल मतलब हाँ, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जिसने दीक्षा लिया विशेष को उसको रखना चाहिए। साइन ऑफ सरेंडर, इट्स ए साइन कि आपने दीक्षा ले ली है, आप किसी के अंडर हैं, किसी से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, ये साइन ऑफ सरेंडर। वैसे ही आपके बाल उड़ गए, शिखा रख नहीं पा रहे, वो अलग बात है। जो शिखा नहीं रखते और जिन्होंने दीक्षा ली वो मायावादी कहलाते हैं, मायावादी लोग शिखा नहीं रखते। वो एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो ये जो एरिया पोर्शन है, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है ब्रेन का, हमारी स्कल का, खोपड़ी का, तो ये प्रोटेक्शन भी देता है उसको। सम्मान देते हैं या हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग सम्मान देंगे, कुछ भी हो। देखिए हम लोग जो ये कृष्णा कॉन्शियस, हमारा कृष्णा भावित आंदोलन है, हमने प्रचार करना है तीन तरीके से, एजुकेशन, डिवोशन, कल्चर। शिक्षा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। तो कैसे हमारे भक्तों का खान पान होगा, रहन सहन होगा, जीवन शैली होगी, ये प्रचार है। हमें ये सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा है लुधियाना में जितने भी पुरुष लोग हैं सबने शिखा रखी हो, ये हमारा विजन होना चाहिए, ये कॉमन हो जाए। जिसने शिखा ना रखी उसको पकड़े लो, क्या है भी कौन हो तुम। तो हमें हिम्मत करनी, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आजकल गलत काम करने वाले की मेजॉरिटी है, तो हम शर्मा रहे हैं। जो हम सही काम कर रहे हैं उसका प्रचार करना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंटली करना चाहिए। कारण मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम लोग जैसे सड़क पे बैठ जाते हैं, हाँ नमाज कर रहे हैं, एक चीज़ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, चलो ठीक है इतने पक्के हैं अपने उसके। तो हम लोग शर्माते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे कई ऐसे भक्त हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस बच्चों ने रखी हुई है शिखा, बहुत बढ़िया। कोई जिनको बच्चों को है नहीं, तो मैडम को आदत पड़ रही है, शिखा है तो है, इसमें क्या, ठीक है ना। वो जोड़ी जोड़ी रख सकते हो, तो हम शिखा नहीं रख सकते, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, बस माइंड सेट है और क्या। हमारे एक भक्त हैं अर्जुन हरिप्रभु, जानते हैं ना अर्जुन हरिप्रभु, ये लुधियाना के रहने वाले हैं, अभी वृंदावन में रहते हैं, पहले पंजाबी बाग में रहते थे। हाँ बड़े अच्छे भक्त भी हैं। तो वो जब पंजाबी बाग में रहते थे तो मर्सिडीज गाड़ी थी उनके पास, तो आराम से मर्सिडीज गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे, तो बाहर निकले, बढ़िया सा धोती कुर्ता डाला हुआ था, शिखा रखी हुई थी, तिलक लगाया हुआ था। तो एक प्रेस रिपोर्टर थी माता जी, पकड़ लिया उसने, उसी से कमाल है, हैरान हो गया, तो क्या कॉम्बिनेशन है, मर्सिडीज के अंदर ऐसे पंडित जी निकले ड्राइव करते हुए, वाह क्या बात है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, क्या ये तो मेरा लाइफ स्टाइल है, तो एक बिजनेस मैन हूँ, यही प्रचार है, और ऐसे तो करना है हमने, ऐसे तो वेदी संस्कृति का प्रचार होगा। नहीं तो रखिए, जितने भी हैं शिखा रखनी चाहिए। यस तो जैसे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरू कीजिए, जब बाल बढ़ जाएंगे फिर गांठ लगाने शुरू कर देंगे। हाँ रबड़ कैसे, जितने ही बाल हैं तो ठीक है, रबड़ लगा लें, ठीक है ये भी है। हाँ और कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ शुरुआत तो कभी करनी पड़ेगी। रखिए, जरूर रखिए, ये निशानी है कि आपने दीक्षा ले रखी है, ठीक है ओके। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, शिक्षा तो ले ही रहे हैं ओके। देखिए जितना वैदिक संस्कृति के निकट आएंगे आपको अच्छा लगेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं।
आपने धोती डाली, आपने तिलक लगाया, चेतना शुद्ध हुई। आप शिखा रखेंगे, चेतना शुद्ध होगी, इसका प्रभाव पड़ता है। राइट, ओके, आगे आइए प्लीज। कंठी माला नहीं, स्त्रियां, माताजी, स्त्रियां लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाए। हाँ, तो आजकल फैशन है कि बॉयकट और वो सब ना करें, और जो स्त्रियों का नेचुरल है उनको लंबे बाल रखने चाहिए। राइट, आगे आगे। हाँ, कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। वह वैष्णव का अभिनय करने वालों को वैष्णव नहीं कहा जाएगा। कुछ भक्त पूजा जप या कोई कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शत्रु द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी तरह भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भगत मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरि नाम का जप एवं चार नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये कंठी माला है, इसको गॉड्स बेल्ट बोलते हैं। जैसे डॉग्स बेल्ट होती है, ये गॉड्स बेल्ट है ना। एक लावारिस कुत्ते में और एक पेट डॉग में क्या अंतर है? पेट डॉग के आगे बेल्ट होगी। तो जब हम कंठी माला डालते हैं इसका मतलब वी आर डॉग ऑफ कृष्णा, ठीक है। ये डाला हुआ है, जिनके गले में कंठी माला नहीं आती उन कुत्तों को एमसीडी वाले पकड़ के ले जाते हैं। तो जिनके गले में कंठी माला है उनको फिर यमदूत नहीं आते, एमसीडी वाले पकड़ के नहीं ले। हम सनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं। और निरंतर तुलसी का स्पर्श रहता है शरीर से तो हम शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए कंठी माला एक निशानी है, वैष्णव का चिन्ह है, तिलक और कंठी माला सबको डालनी चाहिए, कंठी माला। ओके, और यहाँ बताया गया कि कुछ लोग चंदन की माला इत्यादि डाल लेते हैं, वो टेम्परेरी है। और कंठी माला से आपको बुरे सपने, दुर्घटना, शत्रु देव आक्रमण में नहीं होगा। और जो भक्त दीक्षित नहीं है, जो चार नियमों का छिड़ंग से पालन कर रहे हैं, वो भी जरूर डालें कंठी माला। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो शास्त्रों में हरि भक्ति विलास वगैरह में बताया गया है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप चार नियमों का पालन करें। बिना चार नियमों के पालन किए भी आप कंठी डाल सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। हाँ जी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस ऐसा करते हैं कि उसने कंठी डाली हुई है और कहीं रेस्टोरेंट में मीट खा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम नॉर्मली, हमारा ये ट्रेंड है कि हम किसी को बोलते हैं पहले आप चार नियम पालन कर लो फिर आप कंठी डालो। लेकिन कंडीशन देखते हुए, एक व्यक्ति को देखते हुए, कईयों को ऐसा होता है कि आप कंठी डालेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा तब हम चाय छोड़ देंगे। तो ऐसे केसेस हम चलो पहले डाल देंगे, समझ रहे हैं बात को। ऐसा नहीं है कि किसी ने चाय पीते हुए कंठी डाल दी तो उसने शास्त्रों के प्रति अपराध कर दिया।
लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए माइलस्टोन रखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन रहता है कि आप चलिए चार नियम छोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, एक एक प्रोग्रेस हो गया आपका कंठी मारने बाद में। कई भक्त ऐसे भी होते हैं बोलते हैं प्रभु जी आप कंठी डाल देंगे, कंठी के स्पर्श से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे शक्ति मिलेगी, मैं चाय छोड़ पाऊंगा। अगर ऐसा किसी का डिटर्मिनेशन है, ऐसा किसी का विचार है, तो उसको हम ऐसे हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है अब डाल लीजिए। बट नॉर्मली स्पीकिंग हम तभी कंठी माला की इसको आज्ञा देते हैं कि जो चार नियमों का पालन करो। मेरे साथ 15-20 मिनट पहले क्लास शुरू होने से जो ब्यूटी शॉप पे खड़ा था, हां भैया इन्होंने माला मांगी, मैंने उनसे पूछ लिया आप क्या ऐसे खाते हो तो भी कंठी लगता है, हां तो मैंने दी नहीं उनको, हां तो अभी ऐसी स्थिति में देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, मतलब कैसे करें आगे से ड्रीम। देखिए जो बाहर के ऐसे आ रहे हैं लोग उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दूसरी ले आए निम वाली भी आती है। नहीं नहीं ये प्रैक्टिस फैशन के लिए नहीं लाते लोग, तो कंठी वैसे भी तुलसी का स्पर्श हो रहा है तो नॉन वेज तो नहीं खाते, हाँ, तो नहीं खाते। वो बोले कि वैसे आप माता जी अच्छा रहेगा, प्रभु जी अच्छा रहेगा, किसको डाल के आप अच्छे से नियमों का भी पालन कीजिए, हम नॉर्मली उन्हीं को देते हैं, लेकिन डालिए तो उसकी तरफ आगे बढ़िए आप, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। कौन सा कहाँ पे ऊपर कुछ पूजा जब भी कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार मतलब यहाँ विशेष तुलसी माला मतलब स्नान करते तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ के रस्सियों के टुकड़ों से बनी माला, कुछ होते हैं ना कुछ बड़े बड़े होते हैं, हाँ नहीं नहीं वो नहीं, कई होंगे तुलसी के उनसे पूरे डिज़ाइन बना होता है, कुछ अलग कंठी के अलावा भी कुछ डाल देते हैं विशेष समारोह के लिए विशेष माला बनाई होती है उसका जिक्र करते हैं। ये तो स्नान के नहीं, ये कोई तो हमेशा ही डाल देते हैं, ये तो हमेशा ही डाल के रख, ठीक है ये सावधानी होती नहीं दुर्घटना घटी नहीं, हाँ ये तो हमेशा ही रखनी चाहिए कभी भी। और नॉर्मली ये ट्रेंड है जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो दो राउंड की डालते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली वो तीन राउंड की डालते हैं, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचान करने के लिए कौन दीक्षित है कौन दीक्षित नहीं। तो विशेष रीजन भी सिर्फ यही रीजन है, खाली यही रीजन, हाँ खाली डिफरेंशिएट करने के देना नहीं है हमने, हाँ तो उसको एनकरेज करें प्रभु इसको छोड़ दीजिए, हम हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस ये है ना, हमने ये प्रैक्टिस बना रखी है क्योंकि इससे भक्तों को उत्साह मिलता है कि मैं चार नियमों का पालन शुरू करूं और मुझे फिर कंठी में डाल पाऊंगा, तो उसके लिए वो रहता है। थ्री राउंड तो प्रभु जी प्रीचर ने अच्छा स्टार्टिंग में बताया था, टू राउंड मतलब आत्मा परमात्मा है, तीसरा राउंड आ गया तो गुरु जी साथ में दीक्षा लेने के बारे में। नहीं नहीं ये सब वो हैं अटकलें हैं, वैसे खाली बस डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन दीक्षित है कौन दीक्षित नहीं, ऐसे कई एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो ऐसा कोई शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है तुलसी माला के ऊपर कंठी माला पीपीटी में से आगे ले रहा है, हाँ वो तो सकते दे सकते हैं हम, क्या तो कुछ नहीं करते, हाँ किसी को आप पूछेंगे हमेशा तो आप खड़े नहीं रहेंगे, आगे किसी एम्प्लॉय को रखें वो कितना पूछेगा क्या करेगा। बच्चों के लिए सिंगल माला या उसको भी दो ही करनी चाहिए, दो कर लीजिए, दो कर लीजिए सिंगल, मुख्य बात है कि इस शरीर को छूना चाहिए, ठीक है बच्चों को हमारे घर के बच्चे हैं तो उनको तो एजुकेट करना ही चाहिए, कर ले तो बहुत अच्छे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तुलसी ना डालने से तुलसी अच्छा है ना, क्योंकि तुलसी महारानी वैष्णवी हैं, उनका स्पर्श हो रहा है शुद्ध हो रहा है, हाँ चेंज हो गया, बट हमारी प्रैक्टिस यही रहती है कि एक चार नियम करने के बाद किया जाए, तो बाकी टीचर की मैच्योरिटी है, अब वो देख रहा है कि ऐसा भक्त है इसको करके उत्साह बढ़ जाएगा तो ऐसे कर, ठीक है ये शास्त्रों में वर्जित नहीं है इसलिए आपको ये बात करनी, ठीक है जी बढ़े आगे, चलो आगे बढ़िए। दाढ़ी एव मूछे, जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें दाढ़ी एवं मूछे नहीं रखनी चाहिए, कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिनों में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चातुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते, प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है,
तो ये दाढ़ी और मूछ, जैसे हमने पहले चर्चा की, बड़े बाल क्यों नहीं रखने चाहिए दाढ़ी और मूछें? बॉडली कॉन्शियसनेस बढ़ाना, और आजकल तो बहुत फैशन हो गया सभी हो गया, फैशन चेंज होते रहते हैं, है ना। तो पहले हीरोज क्लीन शेवन होते थे, अब सारे क्रिकेट स्टार्स दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है। सो देखिए जितना भी, फिर वही है बॉडली कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाली बात। ओके और एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे मुकुंद, तो मुकुंद सैन फ्रांसिस्को में थे, उनका नाम था माइकल। अगर आपने प्रभुपाद लीला में पढ़ी होगी, उन्होंने प्रभुपाद की बहुत मदद की थी, 26 सेकेंड एवेन्यू में सेंटर खुलवाया था। तो पहले तो हैप्पी थे बड़े, है ना, प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद से दीक्षा ली, बाल कटवा दिए सारे, प्रभुपाद इंडिया गए, इंडिया से वापस आए तो मुकुंद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी दोबारा से, तो पहले हिप्पी थी आदत थी, फिर से दाढ़ी रख ली। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कमेंट दिया, ओ यू लुकिंग लाइक अ ऋषि, तो बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद को मेरी दाढ़ी पसंद है। बाद में मंदिर में आए, प्रभुपाद बार बार उनकी दाढ़ी की तरफ देखे जा रहे हैं, तो समझ गए क्या चक्कर क्या, बार बार क्यों देख रहे हैं। तो एक बार उन्होंने प्रभुपाद से हिम्मत करके पूछ लिया, प्रभुपाद डू यू लाइक दिस? प्रभुपाद अपने मुँह पे हाथ फेरा, नो आई लाइक दिस। अगले दिन तुरंत उन्होंने दाढ़ी साफ कर दी। तो ये हमने, ये एक शरणागति का लक्षण है कि जो हमें पसंद है लेकिन प्रभुपाद जी को पसंद नहीं है तो मैं क्यों रखूं फिर? क्योंकि हम जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं पूर्ण रूप से कृपा से बढ़ते हैं, तो जिन बातों से हमारे आचार्यगण प्रसन्न होते हैं हमें उन बातों को करना चाहिए। दाढ़ी इत्यादि रखेंगे, बाहर के लोग हो सकते कमेंट दें बड़े स्मार्ट लग रहे हो, नहीं प्रभुपाद जी के सामने आगे प्रभुपाद कहते नहीं आई लाइक दिस, ठीक है आई लाइक दिस, तो ठीक है हम भी साफ करेंगे। सो दैट वे, सो भक्तों को दाढ़ी मूछ करके देखिए, कोई शर्माने की बात नहीं है। जब शुरू शुरू में आप सब आए थे, कितने लोगों ने मूछें कटवाई थी अपनी? किन के थे? अब ऐसे ही आती है हमारे साथ भी, ऐसे मैं भी था, तो हमारे मंदिर में पंजाबी भगवान दीन नायक प्रभु थे, वो मेरे पीछे पड़ गए, मूछे काटो, मैं नहीं कटा। उन्होंने बोला ये देखो सब देख रहे हो ना, इन सब की मूछे मैंने कटवाई थी। और डर गया एकदम, सहम गया, अरे प्रभु जी क्या हुआ? काटनी पड़ेगा इन्हें, नहीं प्रभु जी मैं मूछे नहीं कटवाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे अब समझ आया कि ये भक्ति के अनुकूल है। तो शुरू में एक दिन की शर्म होती है, उसके बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम, और कोई चिंता नहीं, ट्रिम करो, ये करो, वो करो, टाइम वेस्ट करो, सीधा क्लीन, है ना। एक बार प्रभुपाद इंटरव्यू देने गए, किसी ने पूछा कि आप ये हेडशिप क्यों रखते हो? प्रभुपाद ने बड़े आराम से उत्तर दिया, जस्ट ए मैटर ऑफ क्लीनिनेस, सफाई की बात, स्वच्छता, ये गंद है, जितना बाल मीन्स मैंने बताया, बाल क्या है वो रिलैक्स टूल है, जितना कम रखेंगे जो जरूरी है वो रहे, बाकी उड़ाओ सारे। तो इसलिए इससे हमारा चेतना भी शुद्ध रहता है, बॉडी का मेंटेनेंस आसान है, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष सोने की अंगूठी, जंजीर एवं आभूषणों का प्रयोग ना करें। हाँ, ऐसे चमकीले आभूषण और वो सब हमें नहीं करना। अगेन सेम चीज़ है कि बॉडीली कंसेप्ट कम से कम रहे।